खबर शामिल करें। आपको बताएं कि लाहौर जीसी यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान के नुमाइंदा महमूद खान की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान आर्ट्स की गेम्स को तरजीही बुनियादों पर कराने का अजम किया गया है। मजीद जानते हैं तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी लाहौर में वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट्स काउंसिल के जेरे तमाम सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट्स काउंसिल के सदर निसार समाइलर और फिल्म साज़ और हिदायतकार सैयद नूर ने खुसूसी शिरकत की, जबकि इस मौके पर इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेंट महमूद खान, डिप्टी सेक्रेटरी अताल हक अमार, डायरेक्टर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड हफीज भट्टी, जीसी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स खादम अली खान समेत दीगर अफसरान तलबा और तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि इस मौका पर मेहमान खुसूसी निसार समाइलर ने खिताब करते हुए कहा कि यहां आकर बेहद खुशी हुई। पाकिस्तान में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स काउंसिल गेम कराई जाएंगी, जबकि तकरीब में मार्शल आर्ट्स के हवाले से परफॉर्मेंस भी दिखाई गई और तकरीब के आखिर में मेहमान ग्रामी और दीगर में शील्ड और तकसीम की गई और इस मौका पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स की जानिब से मेहमानों को भी शील्ड दी गई, जबकि शुरका ने बात करते हुए कहा लाहौर ने ये कंडक्ट करवाया था मिक्स मार्शल आर्ट्स सेल्फ डिफेंस के बारे में, तो ऐसे इवेंट्स बार बार होने चाहिए क्योंकि मतलब लड़कियों को आज की सोसाइटी में सेल्फ डिफेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लड़कियों को अवेयरनेस होनी चाहिए। आज के जो जीसी यूनिवर्सिटी में इवेंट हुआ मिक्स मार्शल आर्ट्स का, इसमें ये जो ट्रेनिंग वगैरह करवाई गई है सेल्फ डिफेंस की, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसा आम लड़कियाँ हैं। इजहार किया है आदम हुसैन साहब ने, जो यहाँ स्पोर्ट्स के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि जी आप यहाँ पे आके अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें, हम आपके तआवुन करेंगे। खासतौर पर हम लोग जो इंग्लैंड में सिखाते हैं ना कराटे वगैरह, हमारी ज़्यादातर जो तवज्जो होती है ना वो लड़कियों पर, बच्चियों पर होती है और बच्चों पर होती है, क्योंकि उन्होंने हमारा वो फ्यूचर है हमारा, उन्होंने बड़े होना है और यू नो व्हाट्स हैपनिंग दिस डेज इन द स्ट्रीट, आजकल स्ट्रीटों में क्या हो रहा है, इसलिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है सीओ एजुकेशन के।